जी आज कायलाना झील में एक मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें एक नाव पलटने की सूचना दी गई थी। ये मॉक ड्रिल बिल्कुल ही आकस्मिक रूप से कराई गई, किसी भी स्तर पे किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम था। इसका पर्पस ये था कि जो रिस्पांस टाइम है, यदि वास्तव में ऐसी कोई घटना होती है तो जो रिस्पांस टाइम है वो क्या है, और यदि रिस्पांस टाइम में कहीं कोई कमी है या कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की संभावना है तो उसको किया जा सके। तो फिलहाल जो आज देखा गया, रिस्पांस टाइम लगभग सभी एजेंसीज का सही पाया गया है, बट फिर भी इसको एक बार डिटेल में स्टडी की जाएगी और इसको देखा जाएगा कि और क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे ताकि रिस्पांस टाइम को सुधारा जा सके। जी सर, आज कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर कि कायलाना झील में एक नाव दुर्घटना हो गई है, जिसमें 30 से 40 लोगों की डूब गए हैं व्यक्ति, उस पर हमने सबसे पहले तुरंत इस ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पर डाइवर्जन करवाया, कायलाना से लेकर के हॉस्पिटल तक पूरा ग्रीन रूट बनवाया। ग्रीन रूट का कि है ना, आप कोई घायल या मृतक या जो भी जिस तरह की स्थिति हो उनको वहाँ पहुँचाया जा सके। रेस्पॉन्स टाइम में हमारे सारे अधिकारी यहाँ मौके पर तुरंत पहुँच गए, जो यहाँ के ACP हैं, ADCP हैं, जो हमारे यहाँ के इंस्पेक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने पुलिस लाइन से और SDRF को सबको इन्फॉर्म किया, नागरिक सुरक्षा को इन्फॉर्म किया, जो वो भी सब लोगों तुरंत अपने यहाँ पर मौजूद आए और इस मॉक ड्रिल के दौरान आपने कुछ सेल्फ पॉइंट जो सुसाइड के बन रहे हैं उनको किया है? वो अभी उसका एनालिसिस करके फिर उसको करवाएंगे।